नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव। मैं मरूंगा नहीं, मैं मर नहीं सकता हूँ। अभी तक मैं खुशहाल नहीं था। 21 साल के बाद सारी खुशियाँ मुझे मिलने वाली थी, तो कुदरत ने मुझे इस हाल में कर दिया। भगवान को मेरे दुखी होने से उन्हें उतनी ही खुशी मिलती है। मेरे पैदा होते ही मुझे पहला घाव मिला, जिसे मैं अपने जीते जी नहीं भूल सकता। धीरज रखो बेटी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना, धीरज रखो। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। बेटी सबर करो, थोड़ा और वक्त लगेगा। ऐसा ही दर्द होगा बेटी, थोड़ा सबर करो। ऐसा दर्द होगा, थोड़ा सबर करो बेटी, ठीक हो जाएगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हो गया बेटी, बेटा पैदा हुआ है। हो गया बेटा पैदा हुआ है। क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है बेटी? ये तुम्हें क्या हो रहा है बेटी? क्या हुआ बेटी, बोलो। बहुत तकलीफ हो रही है तुमको, बोलो बेटी, बोलो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटी, क्या तकलीफ है?
चल बसी। मेरे पैदा होने के अगले ही पल मेरी माँ गुजर गई। मैं दुखी इस बात से नहीं हूँ कि मैंने माँ का चेहरा नहीं देखा, मैं दुखी इस बात से हूँ कि माँ ने मेरा चेहरा नहीं देखा। हर एक माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, लेकिन मैं मेरी माँ का काल बन के आया। मेरे पिताजी ने जब मुझे पहली बार देखा तो क्या बोला पता है? शनि है। मेरे पैदा होते ही उनके मुंह से पहला शब्द मेरे लिए यही निकला। चिड़ियों के लिए खाना छोड़ना, कुत्तों के लिए खाना छोड़ना, ये सब मेरी किस्मत में बिल्कुल नहीं था। मेरे पिताजी के न रहने से मुझे ये खाना ही नसीब होता था, नहीं तो वो भी नहीं। ये सनी तो दिन भर खाना खाते ही रहता है, पैदा होते ही अपनी माँ को भी खा गया। निकल ले, निकल ले, अब तू मुझे भी निकलने वाला है। मैं अपने पिताजी की जिंदगी को खाक में मिलाने आया हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे खाने को खाक में मिला दिया, इससे उनको अलग खुशी मिलती है। इस सनी को यहाँ से दूर ले जाओ, मेरे पैदा किए पाप के लिए जो भी खर्चा होगा भेजूंगा, मेरी नजरों से दूर ले जाओ इसे, दूर ले जाओ इसे। मैं 7 साल की उम्र में ही अपनी दादी के साथ चला गया। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और उन्होंने भी मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। उनकी सोच से जो सनी 7 साल उनके साथ रहा वो उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद मैं दादी के साथ ही पला बढ़ा और मेरी दादी मेरी बहुत देखभाल करती थी। बेटा ऐसा करना चाहिए, बेटा वैसा करना चाहिए, हरदम ध्यान रखती थी। मेरी माँ की आत्मा मेरे लिए इसी फोटो में बस गई थी। समय बीतता गया, मैंने प्लस टू में 1050 मार्क्स लेके पीसी ज्वाइंट किया। कॉलेज में दूसरे साल पढ़ते ही मैंने उसे पहली बार देखा था। टिफिन में क्या है दादी? दही चावल है। दही चावल, चिकन बिरयानी, वेज पुलाव, चिकन चिल्ली, ऐसा कुछ बनाना चाहिए था ना? अरे ये सब मैं बनाऊंगी ना तो दूसरे ही दिन मर जाऊंगी। मरो मरो, खुशी खुशी तुम्हें फेंक भी दूंगा। बोल ले बेटा, अगर मैं नहीं होती ना तो तेरा बाप तुझे कभी का मार चुका होता। दादी मैं जा रहा हूँ। सुनो, जरा यहाँ तो आना। क्या बात है? एक्चुअली मैं इस घर में नहीं रहने आई हूँ, शॉपिंग करके बस अभी अभी आई हूँ। बहुत सारा सामान है, ऑटो वाले से कहा मैंने तो उसने मना कर दिया। तुम थोड़ा हेल्प करो। इट्स ओके, ऑलराइट। दो संभल के, भारी है। सच में बहुत भारी है। जरा रुकना, जल्दी खोलिए ना। अंदर आओ, यहाँ रख दो।
थैंक्स अ लॉट हरीश। आपको मेरा नाम कैसे पता? हरीश, BCS सेकंड ईयर। यही लिखा है ना इस किताब पे। ओके मैम, बाय। वन सेकंड, ये रख लो। सॉरी, मैं पैसों के लिए हेल्प नहीं करता। ओह, तो हम आज से फ्रेंड्स हैं? या स्ट्रॉन्ग हैंड्स। बाय। आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम निर्मला है, निर्मला नित्यानंदिनी। मेरे हस्बैंड दुबई में इंजीनियर हैं। भगवान की दुआ से मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ मेरा अपना कहने वाला कोई भी नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को परिवार का सदस्य बनाना चाहती हूँ। मुझे अपना समझ के आप लोगों को मुझसे जो भी मदद चाहिए मांग सकते हैं। बच्चों, तुम लोग ये किताबें ले लो। आओ बच्चों, ये लो। थैंक यू। ये लो, लो। थैंक यू। तुम भी ले लो, ये लो। थैंक यू। चाचा जी, आप भी अपने बच्चों के लिए ले लीजिए ना। ठीक है बेटी। ये लीजिए चाचा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चाचा जी। आइए बहन जी। धन्यवाद। ठीक है बहन जी, आइए। धन्यवाद। ये आपके लिए, आइए। शुक्रिया। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मैं उससे खुद मिलकर आप लोगों की परेशानी दूर करवाऊंगी। बहन जी, मेरा बच्चा 7वीं में पढ़ता है, उसकी फीस भरने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। आप किसी से कह के हमारी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। किसी से कुछ कहने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं खुद दूंगी। आप लोग अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आइएगा। मैं जिसकी पूजा करती हूँ उन्होंने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। आप सुखी रहे, चलते हैं हम। चलते हैं हम लोग। नमस्ते। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। जब इंसान होकर पैदा हुए हैं तो एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए ना। मुझसे जो कुछ भी होगा वो मैं जरूर करूँगी। वैसे अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं बेझिझक मांगूंगी। वैसे भी मैं तुमसे अभी एक मदद मांगने वाली हूँ। क्या? आज शाम को तुम्हें मेरे साथ मार्केट चलना होगा। सोचा ही नहीं था कि बारिश होगी, अचानक से हो गई ना। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। हरीश, मेनी मेनी थैंक्स मेरे साथ मार्केट जाने के लिए। कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। किस लिए? तुम मेरी वजह से बारिश में भीग गए ना। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हे, तुम ऐसे ही जाओगे? जरा एक मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। हरीश। अरे अरे नहीं, अरे रहने दो। मैं पोछ देती हूँ ना। मैं पोछ लूँगा। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खुद पोछ लूँगा। क्या लोगे हरीश? बहुत ठंड लग रही होगी ना? चाय, कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें बिना कुछ पिलाए मैं जाने नहीं दूंगी। तुम चाहो तो इस वक्त तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं चलूं? जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें।
बारिश हो रही थी तो कहीं खड़ा हो जाता। इस तरह बारिश में भीग कर आओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा? हरीश? हाँ? नमस्ते जी, हरीश नहीं है क्या? हाँ है, तेज बुखार है उसे। बुखार है? अरे बाप रे, मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? हाँ मिल सकती हो, आओ। हाँ हरीश, अरे बाप रे, बुखार से तो तुम्हारा बदन बहुत तप रहा है। हाँ तुम उठो मत, सोए रहो। आइए दादी, आपके पोते का दिल बहुत बड़ा है, सबकी मदद करता रहता है। इसने मेरी भी बहुत मदद की है। मैं यही पड़ोस में रहने आई हूँ। पता है। हरीश, डॉक्टर के पास गए थे क्या? गया था। दवाइयाँ ली तुमने? नहीं, बुखार से दिक्कत हो रही है। ओह बुखार में तो दिक्कत होगी ही ना। दादी दवाइयाँ उधर देखो टेबल पर रखी हुई है। मिली? वही है बेटी। अच्छा दादी, ओके लाइए। कम उठ के दवाइयाँ खा लो हरीश, ये लो खा लो। आपको मेरी वजह से? अरे नहीं, तुम मेरी वजह से बीमार पड़े हो ना, कल बारिश में मेरी वजह से भीगे थे ना। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, जब भी चाहिए मुझे कांटेक्ट करना, मेरा सेल नंबर है ना। अपना ख्याल रखना, चलती हूँ दादी। बहुत ही अच्छी नेक दिल है दादी। बहुत बहुत अच्छी नेक औरत है, अपना ख्याल रखो। हरीश जूस, ये विदाउट आइस है। नहीं मुझे नहीं चाहिए। पी कर तो देखो, ये सेहत के लिए अच्छा है। मैं इतना नहीं पी सकूंगा। जितना हो सके पी लो, बाकी मैं पी लूंगी। अरे आप क्यों, क्या गलत है? कभी तुमने अपने दोस्त के साथ एक कप में चाय शेयर नहीं किया? ये भी ठीक उसी तरह है। पियो। हरीश, तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता? रहेंगे तो दिखेंगे ना। और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरे पैदा होते ही मर गई। माँ मेरी वजह से मरी। मेरे पिताजी ने यही सोचकर मुझे 7 साल की उम्र में ही मेरी दादी के साथ भगा दिया था, और तब से आज तक मुझे देखने के लिए भी नहीं आए। माँ की ममता, बाप का प्यार, इन सब के बिना मेरी जिंदगी तन्हा अकेले ही गुजरती गई। और रूखा सूखा खिला के जैसे तैसे खुशी खुशी मेरी दादी मुझे पालती चली गई। बचपन में ही मेरे माँ बाप के मरने के बाद अनाथ आश्रम में पलकर बड़ी हुई हूँ मैं। फिर वहां एक इंसान आया, मेरी सुंदरता और मेरे स्वभाव को देखकर मुझसे शादी करने के लिए कहा, और मैं भी राजी हो गई। फिर मैं भी घर गृहस्थी वाली हो गई। पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे हमारा परिवार नहीं बढ़ा। कोई नहीं, जाने दो। फिर मैं अपनी खुशी के लिए मेरे जैसे ही अनाथ लोग, गरीब लोग की मदद करने लगी, और जानते हो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। हरीश, अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। Hmm.
कितना टाइम लगेगा? अभी 2 घंटा लगेगा। चक 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 च